नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का उल्लंघन करने के साथ साथ पाकिस्तान अब यहां गुपचुप तरीके से ड्रोन भी भेजने लगा है। नए साल से ठीक एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को सीमा पर दो बार पाकिस्तान से भारतीय सीमा में ड्रोन से घुसपैठ की गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यूपी पुलिस की महिला उप निरीक्षक आरजू पवार ने पंखे से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। मामला अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक निजी मकान में किराए पर रह रही महिला सब इंस्पेक्टर ने पंखे पर फांसी का फंदा बना करके आत्महत्या कर ली। नए साल के पहले दिन कच्चे तेल बाजार में थोड़ी तेजी का रुख रहा है। हालांकि घरेलू बाजार पर इसका कोई खासा असर नहीं पड़ा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के पेट्रोल डीजल के भाव जारी कर दिए। लगातार 26वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ाने शुरू कर दिए। भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आने शुरू हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 19,079 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 224 लोगों की मौत भी हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना की नई स्ट्रेन को लेकर के जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। यहां संत विहार कॉलोनी में 11 जनवरी तक सील घरों में रहने को लेकर शुक्रवार को मुनादी कराई गई। बताया गया कि दूध, सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थ घर पर ही पहुंचेगा। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।